मेरे पास बहुत सारे आरसी एनिमल्स का कलेक्शन है, तो एक और गजब की चीज मैंने खरीदी है गाइस, ये है आरसी टैरेंटुला स्पाइडर। मेरे पास एक बहुत बड़े साइज की भी टैरेंटुला स्पाइडर है, पर वो स्पाइडर सिर्फ जमीन पे चल सकती है। ये टैरेंटुला स्पाइडर जमीन पे भी चल सकती है और दीवार पे भी चल सकती है और छत पे भी, आज इसको टेस्ट करेंगे गाइस। तो आज मैं इसकी फाइट कराने वाला हूँ जायंट कॉकरोच के साथ, ब्लैक किंग कोबरा, क्रीपी टैरेंटुला स्पाइडर, रोबोटिक स्पाइडर भी है। चलो गाइस फटाफट से करते हैं सभी की अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं इनके बीच में फाइट, देखेंगे आज कौन जीतता है। लेट्स स्टार्ट। तो चलो फटाफट से इसको मैं यहाँ से अनबॉक्स कर देता हूँ। इसको मैंने सिर्फ 1500 रुपीस में खरीदा है गाइस। आप भी अगर ये टैरेंटुला स्पाइडर को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, वहां पर इसके वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से अगर आप चाहे तो ये कमाल की और बहुत ही डेंजरस दिखने वाली टैरेंटुला स्पाइडर को खरीद सकती हो। इसके ऊपर पूरा का पूरा वेल्वेट क्लॉथ यूज किया गया यार, इस वजह से ये बहुत ज्यादा स्मूथ लग रही है। मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि मैं किसी मुलायम सी चीज के ऊपर हाथ रखा हूँ। इसके साथ क्या क्या चीजें मिली है ये आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। रिमोट बहुत ज्यादा सिंपल है क्योंकि ये रिमोट आईआर सेंसर पे चलता है। यहाँ पे दो जॉयस्टिक दिए गए, यहाँ पे एबीसी तीन चैनल्स दिए गए, पीछे की तरफ चार AA बैटरीज डालनी पड़ती है ये रिमोट को ऑन करने के लिए। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से आप इसको लेफ्ट या फिर राइट को ट्रिम भी कर सकते हो। रिमोट की क्वालिटी बहुत ज्यादा सॉलिड है। यहाँ पे इसके लाइट्स वगैरह दिए गए, शायद ये नाइट में ग्लो भी करते होंगे जैसे मेरे को लग रहा है। और इसकी ये जो लेग्स है पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, शायद स्प्रिंग या फिर कोई दूसरे मटेरियल का इसको बनाया गया है। पीछे की तरफ इसका वैक्यूम सिस्टम दिया गया है, ये हवा को खींच कर दीवार पे चिपक के चलती है। देखते हैं गाइस ये कितनी ऊपर तक चलेगी। यहाँ पर इसके सपोर्टिंग व्हील्स भी दिए गए वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, इस तरह की बारीक सी एक पन्नी भी दी गई है। यहाँ पे इसके और भी बहुत सारे सेंसर्स हैं, यहाँ से आप इसको चार्ज भी कर सकते हो। अभी अनबॉक्स करते हैं क्रीपी टैरेंटुला को। ये टैरेंटुला इससे काफी ज्यादा बड़े साइज की है और ये टैरेंटुला हमारी नई टैरेंटुला से काफी ज्यादा महंगी भी है गाइस। इसको मैंने शायद 3000 रुपीस में खरीदा था। अगर मैं दोनों को साइड बाय साइड रख के कंपेयर भी करके बताऊं तो देखो यार ये इसका बच्चा लग रहा है, ये भी काफी ज्यादा सही यार दिखने में, बहुत ज्यादा वियर्ड और बहुत ज्यादा रियलिस्टिक स्पाइडर जैसी ये दिखाई देती है। इसकी भी स्किन आप देख सकते हो बहुत ज्यादा मुलायम दी गई है। इसके अंदर भी बिल्कुल सेम टू सेम साइड में चार लेग्स, इस तरफ चार लेग्स दिए गए। ये व्हील्स की हेल्प से ही ये चलती है, पर ये दीवार पर चिपक के नहीं चल सकती है गाइस। ये एक दिक्कत लगी मेरे को टैरेंटुला स्पाइडर के अंदर। यहाँ पर इसकी यूजर गाइड वगैरह दी गई है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। इसका रिमोट काफी ज्यादा सही यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा रिमोट है। यहाँ पे चार बटन दिए गए इसको चारों डायरेक्शन में चलाने के लिए। ये शायद इसका डेमो का एक बटन दिया गया। यहाँ पे इसका एंटीना है ताकि हम इसको बहुत दूर तक भी चला सके। अभी अनबॉक्स करते हैं ये रोबोटिक स्प्रे स्पाइडर को, फटाफट से चलो इसको भी अनबॉक्स करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्पाइडर को शायद मैंने 2000 रुपीस में खरीदा था। अगर आप ये स्पाइडर को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो इसे भी खरीद सकते हो। यहाँ पर इसकी यूजर गाइड है, एक रबर भी इसके अंदर दिया गया है। अभी निकालते हैं यहाँ से स्पाइडर को। देखो यार ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नजर नहीं आती है, पर ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसके अंदर भी साइड में फोर लेग्स, इस तरफ फोर लेग्स, सामने इस तरह के फैंग्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इसका स्प्रे सिस्टम दिया गया है। नाइट में ये बहुत ज्यादा डेंजरस दिखाई देती है। अभी अनबॉक्स करते हैं ये ब्लैक किंग कोबरा को। गाइस आपको पता होगा मेरे पास जितने भी कोबरा या फिर जितने भी स्नेक्स थे ये किंग कोबरा ने सबको हरा के रख दिया था पिछली बार। चलो फटाफट से इसको भी निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका कलर देखो यार, इसके कलर के कारण ही ये किंग कोबरा बहुत ज्यादा रियल स्नेक जैसा ही दिखाई देता है। पीछे की तरफ इस तरह के डिजाइन देखने को मिल जाता है। इसके टीथ देखो यार कितने ज्यादा शार्प है। ये इसकी टंग है, इसके अंदर रेड कलर की लाइट दी गई है और इसके आईज के अंदर भी रेड कलर की लाइट्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इसका आईआर सेंसर है, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। नीचे की तरफ इतने ढेर सारे व्हील्स इसके अंदर दिए गए। अभी इसका रिमोट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। पर तीन बटन्स मिल जाते हैं किंग कोबरा को चलाने के लिए। ये रिमोट के अंदर हम लोगों को बैटरीज डालनी पड़ती है। इसके अंदर कोई भी बैटरी डालने की जरूरत है नहीं गाइस, क्योंकि इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी आ जाती है। इसको हम लोग बार बार रिचार्ज करके चला भी सकते हैं। ओके अभी अनबॉक्स करते हैं ये जायंट कॉकरोच को। ये कॉकरोच बहुत ज्यादा रियलिस्टिक भी दिखाई देता है और उतनी ही ज्यादा स्पीड से दौड़ भी सकता है। आज देखते हैं ये स्पाइडर को क्या रेस में हरा पाएगा या फिर नहीं। देखो यार कितना ज्यादा अजीब दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक रियल कॉकरोच जैसा ही बनाया गया है। अगर आप इसको हाथ में भी रखते हो ना गाइस तो आपको अजीब सा लगेगा यार। इसके विंग्स है, देखो गाइस इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से मूव भी कर सकते हैं क्योंकि ये पूरे के पूरे रबर के बनाए गए हैं। सामने इसके आईज है, यहाँ पे इसका आईआर सेंसर है। नीचे की तरफ यहाँ पे इसकी मोटर दी गई है। इसके गियर्स वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हम लोगों को LR44 की बैटरीज डालनी पड़ती है क्योंकि इसके साथ कोई भी रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिलती है। और इसी तरह की बैटरी जो है रिमोट के अंदर भी डालनी पड़ती है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, बहुत ही छोटा सा रिमोट इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसको हम लोग इस तरह से स्लाइड करके इसके और भी हिडन बटन भी यहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस सभी आरसी एनिमल्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। देखते हैं गाइस आज एक दूसरे से फाइट करा के इन सब में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। लेट्स गो एंड फाइट।
सबसे पहले आरसी टैरेंटुला वॉल क्लाइंबिंग स्पाइडर को टेस्ट करके देखते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से स्मूथ सरफेस पे तो काम कर रही है, तो चलो फटाफट से इसको दीवार के ऊपर मैं चिपका देता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से चिपक चुकी है, देखते हैं ये कितनी ऊपर तक चल पाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से दीवार पे भी चल रही है, देखो फिसल के बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं आ रही है ये टैरेंटुला वॉल क्लाइंबिंग स्पाइडर। इसकी कंट्रोलिंग दीवार के ऊपर और भी ज्यादा बेटर हो चुकी है गाइस। अभी इसको नीचे लेके आते हैं, एक काम करते हैं अभी इसको सीलिंग के ऊपर चिपका देते हैं गाइस। बॉडी ये सीलिंग के ऊपर चिपक तो गई है पर बिल्कुल भी आगे या फिर पीछे मूव नहीं कर पा रही है। देखो यार ये फैन के ऊपर गिर गई है, तो अभी यहां से मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा था पर ये फैन के ऊपर भी पूरी तरीके से चिपक चुकी है गाइस। तो अभी ये टैरेंटुला स्पाइडर को मैं थोड़ा सा हार्ड सरफेस पर चला के देखने वाला हूँ। यहाँ पे ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है प्रॉपर तरीके से, देखो बीच बीच में ये रुक रही है। ये स्पाइडर सिर्फ वॉल पर और स्मूथ सरफेस पर चलाने के लिए ही बनाई गई है। अभी चलाते हैं जायंट कॉकरोच को। ये कॉकरोच देखो यार स्पाइडर से बहुत ज्यादा छोटा है, फिर भी ये रफ सरफेस पर बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। अगर आप इसको गौर से देखोगे ना गाइस बिल्कुल आपको ये रियल कॉकरोच जैसा ही चलता हुआ नजर आएगा। अब चलाते हैं बिग साइज टैरेंटुला स्पाइडर को। ये स्पाइडर रफ सरफेस पर बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है और इसकी स्पीड भी यहाँ पे बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। इसके रिमोट के अंदर 4-way बटन्स होने के कारण आप इसको बिल्कुल एक आरसी कार की तरह कोई भी डायरेक्शन में चला लो ये बिल्कुल भी रुकती नहीं है। अब चलाते हैं रोबोटिक स्पाइडर को। ये स्पाइडर भी रफ सरफेस पर काफी बढ़िया तरीके से चल जाता है। रफ सरफेस पर चलता है तो ये बहुत ही अजीब तरीके की आवाजें करने लगता है। अब टेस्ट करते हैं ब्लैक किंग कोबरा को। ये किंग कोबरा के साथ कितना छोटा सा रिमोट आता है यार, इस वजह से जहां जहां किंग कोबरा जाता है उस तरफ रिमोट को पॉइंट करके इसको चलाना पड़ता है। ये एक दिक्कत लगी मेरे को, बाकी आप देख सकते हो बिल्कुल एक रियल किंग कोबरा जैसा ही चलता है और इसकी स्पीड भी मेरे को थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। अब रेस कराते हैं ये दोनों जायंट स्पाइडर्स के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन सी स्पाइडर जीतती है। टैरेंटुला स्पाइडर आगे जाने की कोशिश कर रही थी पर रोबोटिक स्पाइडर ने इसको पकड़ लिया पूरी तरीके से। रोबोटिक स्पाइडर इससे भी ज्यादा तेज मेरे को लग रही है गाइस, देखो ये बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। इसके आईज भी देखो यार कितने ज्यादा रेड नजर आ रहे हैं इतनी ज्यादा धूप में भी। क्लियरली यहाँ पर रोबोटिक स्पाइडर जीत चुकी है रेस को। अब देखते हैं ये रोबोटिक स्पाइडर क्या किंग कोबरा को रेस में हरा पाएगी या फिर नहीं। किंग कोबरा देखो और इसके आसपास में आ चुका है और किंग कोबरा थोड़ा सा आगे भी निकल गया है। अभी दोनों को यहाँ से टर्न कराते हैं, जैसे मैं टर्न कराने की कोशिश कर रहा था किंग कोबरा यहाँ से निकल चुका है और देखो यार जिगजैग मोशन में बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। क्लियरली किंग कोबरा जीत चुका है रेस को, बहुत फास्ट चल सकता है ये। अभी रेस कराते हैं किंग कोबरा वर्सेस जायंट कॉकरोच के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। कॉकरोच थोड़ा सा पीछे हो गया है, क्लियरली किंग कोबरा यहाँ पे जीतता हुआ मेरे को लग रहा है गाइस, क्योंकि किंग कोबरा बहुत फास्ट तरीके से चल सकता है कोई भी टेरेन में। अभी आमने सामने वाली फाइट कराते हैं किंग कोबरा वर्सेस रोबोटिक स्पाइडर के बीच में। किंग कोबरा इसको काटने की पूरी कोशिश कर रहा है पर स्पाइडर ने इसको पूरी तरीके से पकड़ रखा है और भाई साहब किंग कोबरा को इसने ढेर कर दिया है यहाँ पे पूरी तरीके से। ये दोनों बड़ी स्पाइडर्स के बीच में कराते हैं फाइट, देखते हैं दोनों में से कौन सी स्पाइडर है सबसे ज्यादा ताकत पर। दोनों एक ही जगह पर रुके हुए हैं, दोनों एक दूसरे को पीछे ढकलने की कोशिश कर रही है। जायंट टैरेंटुला स्पाइडर रोबोटिक स्पाइडर को पूरी तरीके से ऊपर उठा चुकी है, यहाँ पे रोबोटिक स्पाइडर कुछ भी नहीं कर पा रही है मेरे को लग रहा है। अभी इसको धक्का मार के नीचे गिरा देगी। जायंट टैरेंटुला स्पाइडर बहुत ज्यादा ताकतवर है यार। अब देखते हैं ये कॉकरोच इतनी बड़ी टैरेंटुला स्पाइडर के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं। मैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से सरप्राइज हो चुका हूँ। टैरेंटुला स्पाइडर कॉकरोच को पीछे नहीं ढकेल पा रही है, यहाँ पे पूरी तरीके से सीन उल्टा हो चुका है। उतने में ही देखो यार टैरेंटुला ने पलट के रख दिया है कॉकरोच को, इसने तो यार पूरी तरीके से पिचका के रख दिया है कॉकरोच को यहाँ पर। अब आमने सामने वाली फाइट कराते हैं ये दोनों स्पाइडर्स के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। क्लियरली आप देख सकते हो बिग टैरेंटुला बहुत ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है। क्लियरली यहाँ पर बिग टैरेंटुला स्पाइडर जीत चुकी है पुशबैक में। अब देखते हैं कौन सी चीज सबसे ज्यादा रियल नजर आती है। बिग टैरेंटुला स्पाइडर को मैंने झाड़ियों में रख दिया है, कोई भी बंदा इसको पहली बार देखेगा तो उसको लगेगा कि ये एक बहुत बड़ी रियल स्पाइडर यहाँ पे झाड़ी पे बैठी है। ये वॉल क्लाइंबिंग स्पाइडर को भी मैंने झाड़ियों के अंदर रख दिया है पर ये इतनी ज्यादा रियलिस्टिक नजर नहीं आती है जितनी जायंट टैरेंटुला नजर आ रही थी। अब ये किंग कोबरा को देख लो गाइस कितना ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है, किंग कोबरा जैसा ही दिखाई देता है। मेरे को सबसे ज्यादा रियलिस्टिक चीज लगी ये कॉकरोच, इसको मिट्टी में रखने के बाद तो ये सच में यार रियल कॉकरोच से भी ज्यादा रियल नजर आ रहा था। ये स्पाइडर थोड़ी देर पहले तो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही थी, जैसे मैं इसको रेस कराने के लेके गया इसकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो रही थी, ये एक प्रॉब्लम लगी मेरे को ये स्पाइडर के साथ। बाकी नाइट में किसी के भी साथ प्रैंक कराने के लिए ये चीज मेरे को जायंट टैरेंटुला से भी ज्यादा बेटर लग रही है। वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन सभी चीजों में से कौन सी चीज अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम है विकी, यथार्थ, दक्ष, प्रियांशु, साहिल, असीम, आनंद, जुबिन, आर्यन, जयराज। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।